गाइस कैसे आप तुम्हें। और आज है वो दिन, आज आ रहा है चिन्ना, तो वो आ रहा है आज। और मुझे लग रहा है दो टू एंड हाफ ईयर हो गए हमें, और फर्स्ट टाइम वो मुंबई आ रहा है। मैं दो बार लंदन जाके आई हूँ, बट आज फर्स्ट टाइम सबने उसको, मेरे घर वालों ने उसको वीडियो कॉल पे बातें की है सबने। सानिका तो शूट ले रही है, सानिका के साथ बहुत ज्यादा अच्छी वाली अटैचमेंट है, और सबका ऐसे रिएक्शन है कैसे होगा क्या होगा। एंड हमारे घर वाले बहुत ज्यादा खुश है, हमारी बहुत ज्यादा तैयारी भी चली है। मैं पहले थोड़ी तैयारी दिखाती हूँ। सी ये कर्टन जो मेरे पापा ने यहाँ के बेडरूम में 2-3 बार चेंज किए हैं, उनको बोला था ये वाले यहाँ पे नहीं है, फिर भी उन्होंने यही लगाया। सो ये और ये सब हम लोगों ने उस दिन थोड़ा शॉपिंग भी किया, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने की है। और अभी तो हमारा ऐसा है कि उसको वो आए और उसको सब कुछ अच्छा लगे। और सच में हमारे घर में ऐसा ही, मेरी सिस्टर के घर पे पूरी साफ सफाई, सानू इनके घर पे पूरी क्लीनिंग, एंड मेरे घर पे भी 3 दिन से चल रही है। मतलब मैं इंस्टा पे भी एक्टिव नहीं हूँ क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आ रहा है, और हमें ऐसा है कि उसको सब जितना हमारे से हो, चिन्ना हम कर रहे हैं हमारे से हो उतना बंदो तुम्हारे लिए अच्छा करे। और ऑब्वियसली मेरे वहाँ के जो मेरी फैमिली है वो भी ये व्लॉग देखेगी, तो मम्मी आप टेंशन मत लेना, हम चिन्ना का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखेंगे ना सानू। यस। और अभी एक्चुअली वो बातें तो बहुत ज्यादा करनी है, तो हमें हमने उसके लिए होटल भी बुक किया है, बहुत सारी चीजें भी की है। तो मैं अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ और मैं उसका टाइमिंग भी बताती हूँ, उसको कितना टाइम वो कब निकला है, पर सब बातें यहाँ पे नहीं करती, फिर बोर हो जाते हो। That's nice. तो अभी ये पैरेट पहुंच चुका है और इसने बहुत टाइम एक्चुअली वेट करवाया हमें। सो रुको मैं तुम्हें फोन करती हूँ। तो कोई नहीं, अभी वो बैरिन पहुंचा है। जैसे कि उसकी मैं पहले बताती हूँ कि उसकी फ्लाइट थी उसके रात के 3 o'clock, जो यहाँ पे बजे थे 10, तो अभी वो बैरिन का उसका 6 hour का स्टॉप है। तो 6 बजे की हमारे यहाँ के 6 बजे की हमारा ही टाइमिंग बताती हूँ, तो यहाँ के 6 बजे की उसकी फ्लाइट है, फिर यहाँ पे वो लैंड होगा 9 o'clock, तो हम भी घर से 8 बजे निकलने वाले हैं। बट उसके पहले बहुत सारी तैयारी करनी है, एंड सच में ऐसे अभी ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि वो आ भी रहा है, क्योंकि हम लोग पहले ऐसे फोन पे ऐसे बोलते थे बहुत सारी बातें, मैं हमें थोड़ी थोड़ी ऐसे बीच में बता दूंगी। चलो पहले जाते हैं क्योंकि अभी 4 बजे और मुझे चेक इन करने के लिए जाना है पहले होटल में, तो फिर वो भी बताती हूँ। चलो पर सच एक बात बोलूं, अभी तो मुझे एक बात होता नहीं, विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग ऐसे पहले फोन पे बोलते थे कि तुम आओगे तो मैं तुम्हें लेने आऊंगी, मेरी गाड़ी से आओगी। तब तो मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी और ना ही मुझे चलानी आती थी, फिर मैं फोन पे ऐसी बातें होती थी, हाँ मैं चिन्ना तुम्हें लेने आऊंगी, और मुझे अच्छा लग रहा है कि आज मेरे पास ये भी गाड़ी है वो भी गाड़ी है, कि मैं उसको सच में वो बातें सच हुई और सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी भी मैं सानू को पूछूंगी, सानू तुझे सच में बिली हो रहा है? नहीं, लेकिन अभी कॉल आया कि हाँ, और सानिका के फोन पे अभी कॉल आया था कि सानिका मैं अभी मतलब बस में बैठ चुका हूँ, सो मैं अभी आ रहा हूँ, तो मैंने बोला हाँ तुम आ जाओ, हम लोग एयरपोर्ट टाइम पे पहुंच जाएंगे, और नहीं भी पहुंचे तो तुम वेट कर लेना। नहीं नहीं पहुंच जाएंगे। यस पहुंच जाएंगे। तो अभी ना जैसे हम लोगों ने सोचा था ना कि हमारा काम होना चाहिए, मुझे गाड़ी भी थोड़ी वॉश करनी है, सो बहुत कम टाइम है, पर जितना हो सके फास्ट फास्ट हम लोग करने की कोशिश करते हैं 1 घंटे में। तो अभी हमने चेक इन कर लिया है, नेक्स्ट स्टेप हमें ना उसका उसको वेलकम करना है, तो फ्लावर तो मैं एयरपोर्ट से ले लूँगी, बट हम लोगों ने ऐसे एक डिसाइड किया है कि उसको एक इंडियन ऐसे जैसे हम लोग वेलकम करते हैं वैसे करें, तो हम लोग जो गेंदे का फूल होता है लाइक झेंडूज ऑफ फूल, सो उससे हम लोग उसको माला पहनाएंगे सब लोग। तो पाए हमें वो वैसे माला चाहिए लाइक हार चाहिए वो, तो अभी हम लोग वो बना के फिर मुझे गाड़ी भी वॉश करनी है, तो करते हैं वो चीज़। चलो हम लोग अभी हार लेने जा रहे हैं, पूरी तैयारी बाकी की हो गई है, सिर्फ हार लेना बाकी है, क्योंकि हम लोग एकदम ट्रेडिशनल वे से उनका स्वागत करने वाले हैं। वो तो जब हम लोग चिन्ना मेरे घर पे आएगा तब भी हम लोग करने वाले हैं, बट वो परसों आने वाले हैं, आज तो हम लोग ऐसे ही उसको एयरपोर्ट पे वेलकम करेंगे, उसको ऐसा लगेगा सिर्फ नॉर्मल हो गया बट नहीं। Touch me, let me know you want it too. Don't have what you need, but I got what you want. I'm ready. Aur sab log aa
चुके हैं, मेरी सच में थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने अभी जस्ट गोली खाई है थोड़ी देर पहले और सब आ गए, अभी नीचे जा रही हूँ क्योंकि वो वेट कर रहे हो और चिन्ना भी अभी एक वन आवर में लैंड हो जाएगा तो हमें और उसको बाहर आने तक ऐसे 10 बजेंगे तो हम 8-2 घंटे के पहले तो एनी हाउ पहुंचेंगे, तो अभी जाते हैं। सो फाइनली हम लोग चिन्ना को मिलने जा रहे हैं, वी ऑल आर सो एक्साइटेड और हम सबसे ज्यादा नीता को कल से नींद नहीं आई है, सो लाइक आस्क नीता व्हाट शी इज फीलिंग, सॉरी एक्साइटेड, ये मुझे कल से इंस्टाग्राम पे मैसेज करी है, बोली नीता कैसे लग रहा है, आई एम हैप्पी, मुझे बहुत मजा आ रहा है, ये आ रहा है सॉरी खड्डे, तो फिर मैंने इसको बोला कुछ नहीं लग रहा पर अभी मुझे थोड़ा ऐसे लग रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम जब थक थक अभी हो रहा है सच में, क्योंकि जब हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे ना जैसे दुबई में तब जो फीलिंग आई थी वैसे ही आज आ रही है, मैं इनको 1000 बार बोल चुकी हूँ कि मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा है कि आज वो मेरे फैमिली को मेरे फ्रेंड्स को इतने टाइम से वो फोन पे बात करता था हमसे, वीडियो कॉल पे बात करता था मतलब इन लोगों से, तो वो करेगा ऐसे और अच्छा है। सो चिन्ना वेलकम टू इंडिया। ओह वाओ, अच्छा न्यूज रिपोर्टर लग रही है। जब दीदा दी उससे सबसे पहले से बात कर रही थी तब से मैं भी चिन्ना के साथ बात कर रही थी, फर्स्ट टाइम जब ये लोग वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे तब मैं भी साथ थी उनके, पूरी रात इन लोग का वीडियो कॉल चल रहा था और मैं और लॉकडाउन था तब तो, और हम लोग मतलब मजा आया था फर्स्ट टाइम, हमें लगा था कैसे बात कर रहा है कितना अलग है ऐसे पूरा, अभी हम लोग देखेंगे सामने से तो और अलग लग रहा है, पता नहीं कैसे होगा। बापरे सानू के एक्साइटमेंट देख रहा हूँ मैं, कब से इसको बोल रही चल चल 8 बज गए थे कोई रेडी नहीं था, सबको मैंने कॉल किया, सबको मैंने बुलाया टाइम पे। अच्छी बात है ना, सबसे ज्यादा मिलने का मन तुझे ही है। हाँ, मैं फेवरेट हूँ ना। यस यस। तो ये मेरी कोई गलती नहीं है, ये एक्चुअली अंदर थोड़ी गलती हुई थी, तो मेरा वाईफाई चल नहीं रहा था। What was like, you know what it was? Yeah, I was like, बहुत प्रॉब्लम हुई थी, पर मैंने सॉल्व की, कोई बात नहीं। अभी ये ठीक है, मेरी सब मेरी फैमिली यहाँ पे सबको हाय बोल ला। हेलो, हाय। रीवा, रीवा। हाय। माय सिस्टर। हाय। ये सब मेरे फ्रेंड। रोहित, से हाय। नमस्कार। अभी थोड़ा हम लोग यहाँ पे स्टारबक्स में आए, फिर जाते हैं खाना खाने। बाथरूम इज मौसी। चिन्ना मेरे एरिया में है, मेरे पापा मम्मी ऊपर से देख रहे हैं, अभी ऊपर ये बोल रहे ऊपर जाएंगे, पर आज चिन्ना ने हमारा एयरपोर्ट वाला प्लान स्पॉइल किया और परसों नहीं हो गया। That was just unfortunate. Okay, कोई बात नहीं। और क्या और क्या अभी ये करना नहीं चाहते थे अभी हम लोग जो परसों ये मेरे घर पे आने वाला है प्रॉपर, जो मेरी मम्मी ने थोड़ा
ऐसे सोचा है वो करना है, इसलिए मैं अभी नहीं लेके जा रही हूँ. So we will go there in 3 days time. नहीं, परसों डे आफ्टर टुमारो. So guys, चिन्ना का बहुत सारे सब लोग वेट कर रहे थे और ये फाइनली ये आ चुका है. हमें बहुत मजा आ रहा है आज. और हमारा सब कुछ यही चल रहा है, एयरपोर्ट आना, एयरपोर्ट छोड़ने जाना, सबको रिसीव बाय यही चल रहा है. बराबर एक महीना थी तुम्हारे लिए, मतलब लास्ट टाइम मैं 21. But I want to say thank you to every single person who came for me to the airport. Welcome me, very welcoming. And I promised Neeta when she comes next time, I will bring loads Mami, of Mami, Chacha, Papa, sab sun rahe ho na? Yes, sabko aana padega and everyone will go. So yes. thank you all for coming. Yeah. To aise hi mujhe pyar karte rehna, haste rehna, muskurate rehna. Love you all. Bye-bye. Just for tonight. So keep on.